कोडरमा जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कोडरमा के चंदवारा में नेता तो गुंडागर्दी करते ही हैं, लेकिन अब पुलिस भी गुंडागर्दी पर उतर आई है। पुलिस की ओर से दिन दहाड़े गुंडागर्दी की जा रही है। पुलिस की वर्दी पहनकर गुंडागर्दी करने वाले का मामला कोडरमा के झुमरी तिलैया में सामने आया है। जब झुमरी तिलैया के बीच बाजार में ही थाना प्रभारी ने वर्दी की धौस जमाते हुए शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की सरेआम पिटाई कर डाली। डॉक्टर वीरेंद्र दोपहर में बाजार में खरीदारी करने के लिए गए थे। खरीदारी करते हुए अपनी कार को उन्होंने बाजार में पार्क की थी। पार्किंग के सवाल पर अचानक आए थाना प्रभारी राम नारायण ठाकुर अब शब्दों का प्रयोग करते हुए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के साथ गाली गलौज करने लगे। जब डॉक्टर वीरेंद्र ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने उनकी जमकर सरेआम पिटाई की। यही नहीं, डॉक्टर वीरेंद्र को पुलिस थाने में भी पिटाई की गई। जब यह बात शहर के डॉक्टरों को पता चली तो वो थाने पहुंचे और उनको थानेदार रामनारायण ठाकुर के चंगुल से मुक्ति दिलाई। डॉक्टर वीरेंद्र अपने साथ घटित इस घटना से पूरी तरह से डरे हुए हैं। अब पूरा पब्लिक देख रहे वहाँ पर, सारा पब्लिक जुड़ गई। तब हमको भी लगा कि मेरा भी इज्जत प्रतिष्ठा है, मैंने भी गाली दिया और अपने बचाव में धक्का मुक्की किया और पीछे से इनके साथ इतना लोग था, है ना, सब हमको पीट रहा। रोड तक घसीटते घसीटते गाड़ी में घसीट के अपने गाड़ी में डाल के बैठा के थाना लाया और थाना ला के भी गाड़ी में टॉर्चर कर रहा था। दोनों वो जो गाड़ी में था, हम बोले कि पानी दो, हमको प्यास लगे, चल चल तरह के थाना बढ़िया से पानी पिलाएंगे, है ना। थाना में ला के भी मेरे साथ मारपीट किया गया। उस समय यहाँ पर एक पब्लिक नहीं थी, केवल पुलिस वाला पे छोड़ के थाना में। अब पूरा जान तो मारे, कहता कि तू शहीद बनेगा ना। वहाँ चिल्ला रहा था कि हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं, देखिए तरह शहीद कर देंगे इस थाना में। थाना पर था बोला कि जो इसके साथ जितना लोग था, थाना पर जितना लोग था सब यहाँ भी मारा है। हम सही में डर गए कि अब लगता है कि लोग सही में मेरे साथ कुछ अनहोनी करने जा रहा है। तब तक फिर धीरे धीरे सब लोग पहुंच गए, जिनको जानकारी मिली। मेरा फोन भी वहीं पर खो गया, है ना। चोट तो हमको बहुत लगी है जहाँ तक, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है मैं कल्पना में भी कभी नहीं सोचा था। मेरी एक बात पर भी किसी ने ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी। मामले की शिकायत जब कोडरमा SP को की गई तो मामले की गंभीरता को समझते हुए झुमरी तिलैया थाना प्रभारी रामनारायण ठाकुर को कोडरमा के SP ने पुलिस लाइन हाजिर कर जांच कराने का आश्वासन दिया है। क्या लगता है सर कि चिकित्सक ने कहीं ट्रैफिक रूल का उल्लंघन किया था, ये लेके कुछ मामला बनता है क्या है? इनके आवेदन को कितना दे मैंने समय में सर जांच करके आप रिपोर्टिंग करेंगे? पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह मामला पूरे कोडरमा में तूल पकड़ चुका है। अब तो सत्ताधारी दल को भी कोडरमा में चल रहे जंगल राज का एहसास हो गया है। कोडरमा में एक तरफ गुंडों ने कोहराम मचा रखा है तो दूसरी ओर पुलिस की वर्दी पहनकर पुलिसकर्मी भी सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। मुझे झुमरी तिलैया थाना प्रभारी के द्वारा एक प्रतिष्ठित जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर वीरेंद्र, उनके साथ थाना प्रभारी के द्वारा बेरहमी से पिटाई किया गया, दुर्व्यवहार किया गया और उनके साथ जितने भी पुलिसकर्मी थे सारे लोगों ने उस प्रतिष्ठित डॉक्टर को पीटा। इसके लिए राजद परिवार कोडरमा जिला की ओर से आरक्षी अधीक्षक से हम लोग मांग करते हैं उस थाना प्रभारी पर अविलंब कार्रवाई, क्योंकि डॉक्टर एक प्रतिष्ठित हैं और डॉक्टर पर इस तरह का घटना हो सकता है तो आम गरीबों पर थाना प्रभारी के द्वारा क्या किया होगा। अभी पूरे क्षेत्र में कोरोना महामारी चल रहा है और उसको सुरक्षा देने के बजाय तानाशाही थाना प्रभारी के द्वारा इस तरह का घटना किया गया, इसलिए पार्टी की ओर से हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। कोडरमा जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जहां गुंडे सरेआम पत्रकारों को धमकी देते हैं और पुलिस समाज के प्रतिष्ठित लोगों को दिन दहाड़े पीटती है और कार्रवाई के नाम पर पुलिस केवल लुपापोती करती है। ऐसे में कोडरमा जिले का तो भगवान ही अब मालिक है, क्योंकि
जब पुलिस ही गुंडा बन जाएगी तो भला आम आदमी न्याय की गुहार किससे लगाएगा। मुखर संवाद के लिए कोडरमा से ब्यूरो रिपोर्ट। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ।